हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज की रेसिपी इतने सिंपल है कि बस जब आपका मीठा खाने का मन किया ना, तो बस उठिए और फटाक से इसको बना लीजिए और फटाफट से बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। कहीं भी इसको सूजी का हलवा, कहीं भी इसको केसरी और कहीं पर काढ़ा प्रसाद भी सूजी से ही बना लेते हैं। तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम कटोरी से नापते हुए ही एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी और 1/4 कटोरी घी लिया है, थोड़े से बादाम लिए हैं और 2 छोटी इलायची ली है। तो अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। घी को हमने पिघला लिया है, तो यहाँ पे मैंने 1/4 कटोरी ही घी लिया है। आप चाहें तो आधा कटोरी घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। वैसे हलवे में जो घी है वो अच्छा लगता है, वो हलवे का फ्लेवर बढ़ाता है। तो बस यहाँ पे जब घी गर्म हो गया तो उसमें ऐड कर दिया सूजी, और सूजी को हम मीडियम टू लो हीट पे अच्छे से भून लेंगे। और जब सूजी भुन जाती है ना, तो वो अलग सी ही उसकी खुशबू आने लगती है। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि जो सूजी है वो आपकी भुन गई है। और इधर साइड में हम क्या करेंगे, पानी को गर्म करने के लिए रख लेंगे। तो सेम उसी कटोरी से नाप के मैं 2.5 कटोरी पानी यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे पानी को बॉयल करके ऐड करूँगी। आप चाहें तो पानी में चीनी को भी घुला सकते हैं और चीनी को भी डाल के बॉयल करके तब ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी मैं अलग से डालूंगी और पानी जो है वो मैं उबला हुआ डालूंगी। और मैंने डाला यहाँ पे फूड कलर, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, वो भी जो आपका हलवा है उसका फ्लेवर बढ़ा देगा। तो इधर साइड में हमारा जो सूजी है वो भी भुन रहा है, वो भी भुन चुका है और पानी भी हमारा बॉयल हो गया है। तो बस गैस को बंद कर देंगे जिस पे पानी को हमने बॉयल करने के लिए रखा था, और यहाँ पे जो सूजी जहाँ पे हम भुन रहे थे उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उस पे हम पानी को ऐड कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि पानी के बुलबुले ऊपर आते हैं तो कई बार जो है वो हाथ भी जलने का डर रहता है। तो बस पानी को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा धीरे धीरे मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी चीनी, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को शुगर फ्री खाना होता है, तो मैं इस स्टेज पर थोड़ा सा हलवा निकाल देती हूँ और फिर उसके बाद चीनी ऐड कर देती हूँ। तो वैसे आप पानी के साथ भी मिक्स करके चीनी को ऐड कर सकते हैं। चीनी को ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली हो जाएगी, तो हम उसके बाद भी इसको भुनेंगे और उसके बाद हलवे की कंसिस्टेंसी आने तक इसको पकाएंगे। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर ऐड कर देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करेंगे और फिर इसको हम सर्व कर देंगे गर्मा गर्म। बिलीव मी गाइस, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप यहाँ पे इसको किस नाम से बुलाते हैं और आपका हलवा कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।